नमस्कार साथियों, आप अपना आसन ग्रहण करें। आपके सामने मंच पर गुलाम अहमद मीर साहब हमारे भाई तो बैठे ही हैं, अजॉय एडवर्ड्स साहब हैं जो हामरो पार्टी दार्जिलिंग में उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे बगल में मुनीश तमांग जी बैठे हैं, भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुनीश तमांग जी आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अजॉय एडवर्ड्स जी जो काउंसलर भी हैं, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हामरो पार्टी जो इनकी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं गुलाम अहमद मीर साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में आपको और जानकारी दें। थैंक यू पवन खेरा जी। हमारे साथ जैसे इंट्रोडक्शन दिया गया, एडवर्ड साहब हैं जो हमरा पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ कई सारे कुलीग हैं, बाद में ये इनकी इंट्रोडक्शन कराएंगे। और मनीष तमांग जी हैं जिनका इंट्रोडक्शन हो गया, जो फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस आज ज्वाइन करेंगे। ये दार्जिलिंग से हैं और ये एक नेशनल भारतीय गोरखा परिसंघ के नेशनल प्रेसिडेंट है और काफ़ी सालों से इस परिसंघ में ये काम करते रहे हैं, और ख़ासकर पहाड़ों में ये जो गोरखाज हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी बात हमेशा बुलंद करते रहे हैं। तो मैं इनको ज़ाती तौर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं कि ये ज्वाइन करेंगे। और अजय एडवर्ड्स यंग डायनेमिक लीडर है, अगेन फ्रॉम दार्जिलिंग, और इनकी जो हमरा पार्टी है वो लद्दाख से लेकर मणिपुर तक, उसमें लद्दाख भी इंक्लूड होता है, दार्जिलिंग भी होता है, सिक्किम भी होता है, आसाम भी होता है, और नॉर्थ ईस्ट अप टू मणिपुर जो इनका संगठन है, जो ये अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी इनकी 2-2.5 साल पहले की है, जिसमें इन्होंने काफ़ी कश्मकश किया है। इनको पहले भी धोखे मिले हैं, ये पिछले 10-12 साल से दूसरे आज के पावर पार्टी के पीछे पीछे थे, उनके सपोर्ट में थे, क्योंकि उनने कुछ इलेक्शन मंशूर इन पहाड़ों के लिए, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए इनके साथ वादे किए थे। तो एज़ यूजुअल जो देश समझ रहा है कि वो जुमले ही निकले 10-15 साल गुजरने के बाद भी, तो इसलिए इस हमरा पार्टी ने, जो एक बहुत बड़ा संगठन है, इन्होंने तय किया है कि एक तो ये इंडिया अलायंस का इस वक्त सपोर्ट करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, दूसरी बात इन्हीं का समर्थन, कंप्लीट समर्थन जो दार्जिलिंग सीट है, सिलीगुड़ी सीट है, जिसमें ऊपर पहाड़ों में 3 सेगमेंट है और नीचे कोई 4 सेगमेंट है जो प्लेन्स में, तो इनका प्रभाव जब वहाँ दार्जिलिंग में ये यूनाइट हो करके, अब कोई दूसरी पार्टी का नाम इनके बाद में वहाँ नहीं रहेगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि दार्जिलिंग की सीट और जो कैंडिडेचर, यो ये कंसेंसस कैंडिडेट है इन सब की तरफ से। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे जो इनका एजेंडा है, जो इनका जो इनकी विश थी, वो ऑलरेडी CWC ने डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में जो दूसरी साइड से इनको धोखे मिले हैं, तो इस साइड कांग्रेस ने पहले भी इनके लिए काम किए हैं, पहले भी काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए हैं, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, बट ये 10-12 साल से उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। आज फिर कांग्रेस पार्टी इन तमाम हिली एरियाज के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, कुछ बेहतर हम अपने मैनिफेस्टो में उसके लिए एक प्लान लेकर आएंगे, जो कांग्रेस का रोड मैप होगा वो इनके साथ डिस्कस किया हमने, उसके बुनियाद पर ये कैंडिडेचर को वहाँ पर स्पेशली सपोर्ट करेंगे दार्जिलिंग में, और अदर एरियाज में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को अपना समर्थन देंगे उसके लिए मैदान में। तो मैं गुजारिश करूँगा, आज सुबह जब बीपी सिंह जी ने मुझे कहा, वो मैं इन सब के नामों से और इनसे बड़ा वाकिफ था, हमें बड़ी खुशी हुई। मनीष तमांग जी, हम आपका स्वागत करते हैं, और अजय एडवर्ड्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर संघर्ष करेंगे, मिलकर जीतेंगे। अब मैं चाहता हूं कि गुलाम अहमद मीर साहब
मुनीश तमांग जी का अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत करें। आइए मिलकर। थैंक यू माय प्लेजर एब्सोल्युटली। थैंक यू। अच्छा ये मेरी तरफ से भी। अच्छा हाँ, आपकी तरफ से तो पहनेंगे बिल्कुल। थैंक यू सर। आप बीपी भाई, आप पीछे क्यों हैं? ये मेंबरशिप, ये आप बता दीजिए, साइन करेंगे। अब ये कांग्रेस की मेंबरशिप पर आपके सामने हस्ताक्षर करेंगे। वेलकम। थैंक यू वन सेकंड। बीपी भाई, उन्हीं की कॉपी। थैंक यू, आई विल। थैंक यू। ये पहले आप बोलिए, बाद में। अजय एडवर्ड्स जी, आप कुछ दो शब्द कहिए। टुडे फॉर्मली जॉइनिंग द इंडिया अलायंस, यस, ये हम लोग का क्षेत्र के लिए भी है। 15 साल हम लोग वेट किया। बीजेपी ने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बड़ी बहुमत के साथ दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग एमपी जीत लिया। लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स कम समय नहीं है। After 15 years also, nothing has been done for all the sacrifices we did BJP ko samarthan karke. Mera party sirf nahi, lekin sampurna paharbasi aur sampurna gorkha jati, jo hum log bolta rehte hai, 1.5 crores spread across Assam, Sikkim, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, ऑल दीज एरियाज। सो अब हो गया ये। 15 साल में कुछ नहीं होने से नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर हैड कम टू सिलगुड़ी अ फ्यू डेज बैक, फ्यू वीक्स बैक, और आफ्टर 15 ईयर्स बोल रहा है अभी आप लोग का काम ज़्यादा देर नहीं है, अभी होगा। लेकिन 5 साल जो आगे आया था उस टाइम भी गोरखा लोग का सपना मेरा सपना बोल के गया था, लेकिन ये 15 साल सिर्फ सपना हो गया। हम लोग को जाति को कुछ नहीं मिला, इसलिए हमरो पार्टी फॉर्मली सपोर्ट्स कांग्रेस एज वेल एज द इंडिया गठबंधन, नॉट फॉर गोरखा जोनी, लेकिन देश को बचाना है। ये कालिम्पोंग, गैंगटॉक, ये क्षेत्र के लिए सिर्फ नहीं है, ये देश आज संकट में है। युवा लोग का लग रहा है दार्जिलिंग क्षेत्र में सेकेंड लार्जेस्ट इम्प्लॉयर इंडियन आर्मी था, सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट है टी गार्डन्स, सेकेंड लार्जेस्ट इम्प्लॉयर आर्मी था। लेकिन अग्निवीर का साथ जो धोखा हो गया नौजवान को, लोग, वी आर वेरी 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 एंग्री, और हम लोग बहुत दुख में है कि अग्निवीर जैसे जो हम लोग का नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट दार्जिलिंग क्षेत्र का, सो कांग्रेस ऐसे सत्ता में आने से अग्निवीर को हटा जाएगा। गोरखा लोग को ले सिर्फ नहीं, लद्दाखी का ले, अरुणाचली का ले, सिक्किम का ले, ये ट्राइबल बॉर्डर स्टेट्स का ले कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए ये मुद्दा में जो वो हम लोग का बातचीत हुआ, दिस इज फॉर जस्टिस फॉर आर कम्युनिटी राइट फ्रॉम अरुणाचल टिल मणिपुर। सो दैट इज व्हाई टुडे विथ माय पार्टीज परमिशन, दिस पार्टी इज 2.5 ईयर ओल्ड पार्टी, एंड टुडे आई एम थैंकफुल टू द इंडिया कोएलिशन एंड द कांग्रेस पार्टी for accepting such a young party into their fold. We will work
टू सेव दिस ग्रेट नेशन इंडिया फॉर आर जेनरेशंस एंड टुडे वट एवर हु एवर द पार्टी चूजेस एज कैंडिडेट वी विल सपोर्ट विथ तन मन धन. क्या कले? क्योंकि हम लोग को जो मांग है, हम लोग का जो दिक्कत है, उसका ले सिर्फ कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगा, इंडिया गठबंधन सपोर्ट करेगा. और हम ये पार्टी का एक घटक दल नहीं था, इंडिया कोलिशन में नहीं था, लेकिन हम मणिपुर में गया राहुल गांधी जी का यात्रा में. दार्जिलिंग से 2000 किलोमीटर हम लोग 7-8 गाड़ी में गया, उसका साथ हम दिया. और जब हम देखा जो आम आदमी सिंपल पीपल इतना प्रेम करता है ये पार्टी को, ये राहुल गांधी का इतना प्यार करता है, और मणिपुर जैसे स्ट्राइफ टॉन वॉर टॉन एरिया में भी रात को लेडीज यंग पीपल केम आउट विथ कैंडल लाइट्स इन अ वॉर टॉन एरिया. दिस काइंड ऑफ स्पिरिट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेव इंडिया. एंड टुडे आई एम थैंकफुल फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया कोएलिशन फॉर एक्सेप्टिंग सच अ यंग पार्टी एज देयर कोएलिशन पार्टनर. एंड आई विल वर्क नॉट जस्ट इन दार्जिलिंग विद द इंडिया कोएलिशन, आई विल वर्क इन सिक्किम, आई विल वर्क इन अरुणाचल. आर पार्टी विल वर्क अक्रॉस वेयर नेपाली भाषी एनीवेयर इन इंडिया. We will work for constitutional justice for our people. Thank you very much. Thank you. आपके कुछ सवाल हो तो पूछिए. सॉरी, मैं इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. मैं अब मुनीश जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार आपके सामने रखें. सॉरी, नो प्रॉब्लम. थैंक यू पवन सर और मीर साहब और बीपी सर और मेरे सभी साथियों. Thank you for giving me the opportunity to be part of a party which stands for the idea of India. मैं जैसे कि मेरे परिचय में बताया गया है, भारतीय गोरखा परिसंघ जो भारत का सबसे बड़ा गोरखाओं का एक सामाजिक संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने अभी तक कार्यभार संभाला है. और परिसंघ के होने के नाते, जहाँ हमारा परिसंघ जो भारत के 18 राज्यों में सक्रिय समिति है, उन 18 राज्यों में मेरा भ्रमण और इसके अलावा अन्य जगहों में भी जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, उन सभी जगह में जाकर हमारे लोगों का मुद्दा के साथ अवगत होने का मुझे पिछले लगभग 20 साल के मेरी यात्रा में मुझे मौका मिला. और आज मुझे लगा कि जिस प्रकार से आइडिया ऑफ इंडिया भारत के सामने जो विभिन्न चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए मुझे लगा कि मुझे अब अगले पड़ाव में जाना है और एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन की यात्रा में एक नया मोड़ देते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो आइडियल्स हैं, क्योंकि हम उससे प्रेरित हैं, क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, इसलिए उन आइडियल्स को आगे रखते हुए एक समूचा भारत को, समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मैं आज कांग्रेस पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है. और जैसे कि हमारे भाई अजय ने बताया, बीते कई सालों से दार्जिलिंग खास करके और अन्य जगहों में, दार्जिलिंग क्योंकि अन्य जगहों के गोरखाओं को भी प्रभावित करता है, तो दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स के कारण अन्य जगहों में भी जिस प्रकार से हमारे समुदाय ने बीजेपी के ऊपर भरोसा रखते हुए इतना समय दिया और उसके बदले में हमारे समुदाय को कुछ भी नहीं मिला धोखा के अलावा. दार्जिलिंग की बात तो अजय भाई ने करी दी है. अभी तक जो बीजेपी ने अपने पिछले 3 मैनिफेस्टो में रखे, उनमें से एक भी सूत्र में वो आगे नहीं बढ़े. कुछ तिनका भर भी उन्होंने कोई उसमें प्रगति नहीं की. तो हमारे लोग इस समय, दार्जिलिंग ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत के गोरखा लोग इस समय इस झूठ से तंग आ चुके हैं. और इस झूठ से तंग आकर वो बीजेपी से अलग होकर एक ऐसा पॉलिटिकल रास्ता चुनना चाहते हैं जिसमें उनके मांगों की रिकॉग्निशन हो, मान्यता हो, सम्मान हो.
और हमारा ये अनुभव रहा है कांग्रेस के साथ बीते दिनों में, हमारे समुदाय का बीच में किन्हीं कारणों से हमारे समुदाय का और कांग्रेस का तालमेल काफी कम हो गया था, मगर उससे पहले चाहे वो सुभाष घिसिंग जी के समय में हो, चाहे बिमल गुरुंग जी के समय में हो, चाहे हमारी भाषा मान्यता का संग्राम का जो लंबा दौर था उसके समय में हो, हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ भारतीय संविधान में वो कांग्रेस के तहत ही, कांग्रेस के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ। और हमने जो पिछला 15 साल बीजेपी के साथ बिताया वो उसका नेट रिजल्ट शून्य हमारे लिए। तो इसीलिए आज भारतीय, संपूर्ण भारतीय गोरखाओं का जो मैं अभी तक प्रतिनिधित्व करते आया था, उन सभी के साथ विचार विमर्श बातचीत सभी के साथ मुझे यही समझ में आया कि अब एक नया पड़ाव में जाने का समय आ गया है, और उसी कारण से मैंने ये निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाऊं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने मुझे स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जस्ट बिफोर आई लेफ्ट दार्जिलिंग आई मेट वेरियस political parties in my region, and with Bimal Gurung we have fought many elections together, whether it's the panchayat, whether it is other smaller elections, local elections in Darjeeling. I believe Daju will support this decision that is good for the people in the hills. Bimal Gurung has always been a Gorkha warrior, and today one side is the TMC, which is not bothered about our local issues, in including constitutional justice. One side is the BJP, which has completely wasted 15 years, a decade and a half of our generation. So in the light of this, I am sure Bimal Daju will see that the only path forward is a path where a political coalition like the India Gathbandhan is the only way forward. So going back to Darjeeling tomorrow, I am going to interact not just with political parties but with Har San Sanstha, and together we'll come up and win and finally take out BJP from Darjeeling. से बाहर से कैंडिडेट आया है बीजेपी का, जो भी कैंडिडेट, इस बार उम्मीद है कि दार्जिलिंग का कोई आदमी कैंडिडेट बनेगा जो भी पार्टी से हो? मुनीश तामंग इज द सन ऑफ द सॉइल, ही कम्स फ्रॉम अ एरिया इन कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। आई होप दैट इज कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड, एंड आई एम, हम मैंने 100% कन्फर्म्ड है कि गोरखा जाति लॉयल होता है, गोरखा जाति का एक सम्मान होता है, और तीन तीन टेन्योर में जो बीजेपी सिर्फ जुमला 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 किया, इतना भी हम लोग लाचार नहीं है कि कुछ नहीं करने से भी हम लोग सिर्फ सलाम करके वोट गोरखा जाति बीजेपी को देगा। इस बार आई थिंक इफ कांग्रेस चूजेस अ गुड कैंडिडेट, the victory will be India coalition. Thank you. Edward ji, main mera sawal aap se yahi tha ki aapko agar India mein hi join karna tha to itna dur kyu aaye, aap Kolkata mein TMC ke paas ja ke kar sakte the, jo jawab aapne abhi khud de diya, lekin aap apne pahad mein ja ke jo aapne TMC ka jo manobhav bataya to usko kaise aap samjha paoge unko, kyunki India ka ek bada part TMC bhi hai? Dekhiye, hum aaya दिल्ली क्या कर ले, कैंडिडेट ढूंढने के लिए, टिकट मिलने के लिए नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग का मुद्दा जो प्रोटेक्शन, जो हम लद्दाख भी सोनाम वांगचुक जो मांग रहा है 21 डेज, उधर अभी बीजेपी का संसद है, लेकिन फिर भी 21 डेज फास्टिंग में कुछ नहीं, हम भी उधर 48 आवर्स का अनशन में भाग लिया था। इसके बाद हम दिल्ली आया और समझ गया कि बीजेपी कुछ करने ने 10 इयर्स उधर भी मैनिफेस्टो में डाला, संकल्प पत्र में डाला। संकल्प पत्र का मान्य क्या है? आई प्रॉमिस
हम कसम खाता है कि ये जगह में ये होगा, लेकिन 10 साल कुछ नहीं किया हम लोग का साल 15 इयर्स। सो अभी लद्दाख और दिल्ली के बाद हम ग्राउंड लेवल में जाके गोरखा भाइयों को, आदिवासी भाइयों लोग को हम समझेगा कि समझाएगा कि बीजेपी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर आ एरिया। थैंक यू। What's your thinking about Sikh schedule and the Gorkha land from your party? I think Sikh schedule is protects our rivers, protects our culture, protects our nature. What Sona Wangdu is doing is something that we want. There is the Teesta river over there. Jo 1 week ago, 1-2 months ago, इतना बड़ा घटना हो गया, people lost their lives, और हम लोग RTI किया था कि 624 crores annual generation होता है, हम लोग का आदमी उसका दुख भोगता है, environmental issues भोगता है, floods भोगता है, लेकिन हम लोग को एक unit इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं मिलता, एक रुपया CSR में नहीं मिलता है। इज दिस इंडिया? इज इट फेयर दैट ऑल आर रिवर्स, ऑल आर फॉरेस्ट, ऑल आर टी गार्डन्स, दार्जिलिंग टी 2 lakh rupees इन द इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट इज आर पीपल गेटिंग? 200 रुपया। इन टूडेज इंडिया, the Britishers have left 76 years ago. Today, we are drinking the water that Britishers have made for us. We are going on the roads that British made for us. Usko ek bar tar bhi nahi kiya. This kind of injustice. Lekin bar mein Sikkim dekhta hai. Sab. Lekin Darjeeling, ye dukh hai. Darjeeling mein this neglect is there. Bordering 5 states, 5 countries. So this is the time we feel Congress jo kiya, chota kiya, national highway declare kiya, Congress kiya. Hum log ka bhasha, Congress kiya. GTA, Congress kiya. Abhi Sikh schedule, Congress MOU sign kiya Subhash Ghisi ke saath. Sikh schedule is a very good thing for our people, considering all left out communities get tribal status. So Sikh schedule is something that the Congress has openly spoken in parliament. So this is a good way forward. Our ultimate vision is separation from Bengal. तीन टर्म से आप देख रहे हैं कि बीजेपी वहां से जीत रही है, अलवालिया जी थे, जसवंत सिंह जी थे, अभी राजू बिश जी थे, अब आपको लगता है कि वहां कांग्रेस फिर से वापस आएगी और आप इस बार जीत पाएंगे वहां से? कांग्रेस जरूर वापस आएगी और बीजेपी जरूर हारेगी, क्योंकि लोग बीजेपी को हराने के लिए आतुर हैं, वहां पर तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी की झूठ की राजनीति 15 साल से हमने सहा है और आगे और सहने की लोग में और कोई क्षमता नहीं है, ना कोई धीरज है, धीरज का बांध सारा टूट चुका है। सब लोग करेंगे क्योंकि सब लोग एक विकल्प को ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस एक विकल्प प्रदान करेगी वहां के सारे लोगों के साथ मिलकर। तीन क्वेश्चन हो गए, उनका जवाब दे दिया, उसका जवाब दे चुके हैं। हाँ, सिद्धार्थ जी बोलिए। हेलो सर, अग्निवीर का भी आपने जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिक्र आया आज। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं दोबारा तो हम अग्निवीर को के अंदर चेंजेस लाने की भी हम आगे पहल करेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? लेट देम कम टू सत्ता फर्स्ट। आई डू नॉट नो वेदर दे विल कम टू सत्ता। देखिए, इन दार्जिलिंग जो टीवी देखता है, जो अखबार देखता है, दे लिव इन अ डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्स। हम दिल्ली में था, 7 taxi drivers, ऑटो वाला का साथ बातचीत किया, आउट ऑफ सेवन एक बीजेपी का समर्थक था,
सिक्स क्या बोल रहा था, ग्राउंड लेवल, ऑटो ड्राइवर माने ग्राउंड लेवल क्या बोल रहा था, दैट सर मोदी को प्लीज हटाए इस बार, क्योंकि सब बोल रहा है बीजेपी बीजेपी, लेकिन हम लोग का जीने मुश्किल हो गया, कमाई डाउन हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और हम बोल रहे 5 किलो तो दे रहा है तो आपको राइस, वो बोल रहा है 5 किलो क्या है सर, वो 1 रुपया में मिलता था 1 किलो, अभी 5 रुपया दे रहा है, लेकिन पेट्रोल में जा रहा है, गैस में जा रहा है, लेट देम कम टू पावर, लेट देम चेंज अग्निवीर, देन वी विल कमेंट ऑन दैट, थैंक यू वेरी मच। सर वन क्विक क्वेश्चन, यू हैव टॉक्ड अबाउट रिवर्स एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट रिवर्स फॉरेस्ट एवरीथिंग, सो जस्ट वन क्विक क्वेश्चन की दिस टाइम इन 2024 is in climate change and protection of environment going to be a mainstream issue as along with unemployment and Agniveer and other issues, because this environment thing, climate change, has it doesn't get as much attention as it should, you know, as is it going to be a main issue as a political party, independent political party. We have sat down with Sonam Wangchuk in Ladakh, and we have said in the border areas bordering China, we should, because why China, because the environment is very fragile, so right from Ladakh till Arunachal we should come together. Maybe it won't be like a political coalition, but what Sonam Wangchuk and the apex body in Ladakh has done is very great. They've come together with every, you know, every religion, every society, every political party, headed by a old monk from a old monastery. So a similar non-political arrangement from Ladakh to Arunachal, which will deal with tribal issues, safeguard those rivers, mountains, forests, and in this is what I feel India, the coalition, the platform will provide us. If it was BJP, they say 1 inch China nahi liya hai, but Sonam Wangchuk was saying I will go to the China border where pastures, thousands of acres have been taken, pasture acres has been taken by China, lekin abhi India mein ke 1 inch China nahi liya hai. This is wrong. So environmental, border protection, and the border area citizens have to be taken care, cannot be neglected. Thank you. Mir sahab, Mir sahab, mera ek sawal hai sir. Nahi, aisa nahi, unko pura pata hai, aur kyunki wo election mein busy hai, wahan par unka wahan par kaam tha, ye kal sham se hi silsila chala, ye bhi kahin bahar the, तो इनके टाइमिंग के हिसाब से आज ये सेट करना था. सुबह मेरी पीसीसी प्रेसिडेंट से बात हुई एंड ही सेड ओके गो अहेड, वी वेलकम ऑल दीज यंगस्टर्स. मीर साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप झारखंड और बंगाल दोनों के प्रभारी हैं, कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लड़ने जा रही है और झारखंड में कितनी सीटें लड़ने जा रही है? दोनों ही राज्यों में घटक दलों के साथ आपके सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान का हम लोग इंतजार कर रहे हैं. झारखंड में हम 14 सीटें लड़ रहे हैं. कांग्रेस कितनी सीट लड़ रही है? अरे वो कांग्रेस ही है सारा, जब गठबंधन है तो वो कांग्रेस ही है. वो बंगाल में भी एक रेस्पेक्टेबल नंबर्स हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आप देखेंगे करीब 8-9 सीटें तो हमने अनाउंस की, और उतना ही सुकोर आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और उसमें जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर हमारे लीडर्स है वो फाइंड आउट कर रहे हैं अच्छे कैंडिडेट्स भी, अच्छी फिजा भी जहां पर है, तो वो चुनाव लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे. हाँ, लोकल लेवल पर हो रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो मुल्क में तब्दीली लाते हैं वो किसी सोच में भी हो तो उनके साथ तो ले दे के चलाएंगे. पवन जी, हाँ पवन जी, ऐसा है कि इन्होंने कहा अभी एडवर्ड साहब ने कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है सेपरेशन दार्जिलिंग का बंगाल से, गोरखालैंड, क्या कांग्रेस पार्टी इनकी डिमांड से सहमत है? विजन है, आगे बात. इन्होंने अपनी विजन रखी, इनका हक है अपनी विजन रखने का. हमारा और आपका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की विजन को सुनने का और उस पर चर्चा करने का. ये किसी का क्वेश्चन है सर, ये वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन है.
टू यू सर कि डिसइल्यूजनमेंट ऑफ पॉलिटिशियन इज यूजुअल इन इलेक्शन टाइम, बट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु वोटेड फॉर बीजेपी इज डिससेटिस्फाइड इन दिस इलेक्शन अकॉर्डिंग टू यू सर? माय फ्रेंड मिस्टर एडवर्ड जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट ही गॉट टू नो व्हेन ही केम टू दिल्ली थ्रू हिज इंटरेक्शंस विद पीपल ऑन द रोड. It's not just Delhi. You step out of Delhi, go into any village, any small town, you'll realize that there is a widespread disillusionment with the current government. You may or may not watch it on television because television has its own compulsions. You do get to watch it on social media. You do get to understand the mood of the nation when you interact with the people on the road without any bias, when they talk to you, without any camera, they talk to you. You get to know how deeply disappointed the country is with the Modi regime. Thank you. Thank you.